नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में पैक्स चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक होंगे। इस चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है, जहां कहा गया है कि चुनाव में पैक्स के सह सदस्य उम्मीदवार नहीं होंगे। हालांकि सह सदस्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के प्रस्तावक हो सकते हैं, जिस पैक्स के वे सह सदस्य हैं, साथ ही उन्हें वोट भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में पैक्स सदस्यों की संख्या 45 लाख के करीब में है। इसमें सह सदस्य करीब 50,000 हैं, वहीं पैक्सों की संख्या 8,463 है। सहकारिता विभाग को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की तरफ से पैक्स चुनाव को लेकर निर्देश जारी हुआ है, जहां स्पष्ट किया गया है कि पैक्स के सह सदस्य उम्मीदवार नहीं हो सकते। पैक्स के जो सदस्य बनते हैं वे एक शेयर पर 10 रुपए देते हैं, वहीं सदस्यता शुल्क के लिए 1 रुपए देते हैं। पैक्स के सदस्य को एक से ज्यादा शेयर लेने का भी अधिकार होता है। हालांकि जो सह सदस्य हैं वे केवल सदस्यता शुल्क 1 रुपए ही जमा करते हैं, ये शेयर नहीं खरीदते, जिससे पैक्स के सह सदस्य शेयर होल्डर नहीं रहते हैं। इसलिए केवल सदस्य ही चुनाव लड़ते हैं। सह सदस्य मतदान कर सकते हैं। पैक्स चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर उप विकास आयुक्त द्वारा तय की जाती है। हालांकि मतदान केंद्र को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित जिले के जिलाधिकारी ही लेते हैं। इस दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि चुनाव के लिए मतदान केंद्र पैक्स अध्यक्ष की जमीन, भवन या गोदाम में ना बने। पैक्स अध्यक्ष की किसी भी संपत्ति के 200 मीटर की दूरी पर बने। 5 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। वोटर सूची, बैलेट बॉक्स आदि को सहेजने का काम भी चल रहा है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने घोषणा की है कि इस बार पैक्स चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट से होंगे। चुनाव को लेकर अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी। आपको बता दें कि पैक्स का पूरा नाम प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति है। ये किसानों को कई सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, जिसमें सस्ते ब्याज पर लोन मिलना, बीज, खाद, दवाइयां उपलब्ध होती हैं, ताकि किसानों को लाभ हो सके। इस बार पैक्स चुनाव के दौरान 5 तरह के पदों के लिए 5 रंगों के बैलेट पेपर होंगे। इसमें आसमानी, लाल, हरा, नारंगी और सफ़ेद रंग शामिल है। इन अलग अलग रंगों में आसमानी रंग का मतपत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रबंधन समिति के सदस्य के लिए होगा। सफ़ेद रंग के मतपत्र अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित समिति के लिए, हरा रंग पिछड़ा वर्ग के लिए और नारंगी रंग सामान्य कोटि के प्रबंधन समिति के लिए होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 4:30 बजे तक तय किया गया है। रंग अलग अलग होने से मतदाताओं को भी वोटिंग करने में आसानी होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।